नमस्कार मु सस्मिता आपण मानक स्वागत करछि राउरकेला खबर को आम सहर रे घटुथिबा विभिन्न घटनावली उपरे आसंतु नजर पकाइबा एबे मुख्य खबर। टाटा ट्रस्ट पक्षरु ढेंकानाळ जिल्लारे हॉकी तालीम केंद्रर शुभारंभ। केंद्र इस्पात राज्यमंत्रीक राउरकेला गस्त अवसर रे युव कांग्रेस रो विरोध करी कळा पताका प्रदर्शन। राउरकेला खबर कागज विक्रेता संघर बंधु मिलन एवं आलोचना चक्र। राज्य युव कांग्रेस सभापति सुंदरगढ़ जिला गस्त उपलक्षे सांबादिक सम्मेलनी। केंद्र इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते दुईदिनिया राउरकेला गस्त। बणई थाना अंतर्गत जीविका अंचल ट्रक पलटि पांच आहत। राउरकेला बिश्रा रास्तार कार दुर्घटन तीन आहत। ढेंकानाळ सोमाट पक्षर सर्वाधिक हीरो गाड़ी विक्रय उत्सव पालित। राउरकेला ट्रक मालिक संघ पक्षर प्राथमिक चिकित्सा संपर्कित प्रशिक्षण शिविर। गृहस्थी परिवार पक्षर गो सेवा उद्देश्य रोटी बंटन रोटी तैयारी मशीन स्थापना। नवनिर्माण कृषक संगठन ढेंकानाळ शाखा पक्षर विरोध प्रदर्शन। 32वां जातीय सड़क सुरक्षा मास पालन उपलक्षे विभिन्न कार्यक्रम। मुख्य खबर परे एबे संपूर्ण खबर। टाटा ट्रस्ट पक्षरु टाटा ओडिशा हॉकी इनिशिएटिव जरिया रे ढेंकानाळ जिलापालंक कार्यालय सभागृह रे ढेंकानाळ जिला रे हॉकी खेला निमंते एक तालीम केंद्र उद्घाटित हो जाइछि। एहि उपलक्षे एक वर्चुअल बैठक माध्यम रे राज्य क्रीडा मंत्री क्रीडा सचिव एवं टाटा ट्रस्ट विभाग मुख्य उपस्थित रे उद्घाटन कार्यक्रम हो जाइछि। बहु प्रतीक्षित थिबा एहि हॉकी तालीम केन्द्र रो उद्घाटन परे जिला रा विभिन्न स्कूल छात्र छात्री को मन रे बहु दिन रो आशा पूर्ण होइछि। राधा राय भगवानपुर ठीक आम पिला माने जेंती आगरे आशा माने स्टिक बॉल रे असुविधा होतला माने एबे जेंती माने जेंती एबे सब खेली बारे आमे आशा करछु कि स्टिक बॉल सबकिछ मिल पार से आशा रखीचु। आम पाने जमी बाहर जाइना खेली पार्टी नेशनल सेमती आम चाहूँ कि खेल भितर समस्ते इम्प्रूव करूँ आउ हार्डवर्क समस्ते भी करूँ आउ चाहूँ कि पाने समस्ते बाहर बाहर जाइ खेलतु आउ कम से कम इंडिया प्लेयर भी एम भितर किए भी इम्प्रूव होना। साई प्रसाद दलई जहाँ ढेंकानाळ गोटे बड़ गर्व गौरव कथा ग्रासरु सेंटर पर नाबाल्टाटा तर निजर दिज आम दिज को बाबला प्रसाद महांती मु साई प्रसाद दलई ये दिज को कोच भाव आपइंटमेंट देते आम को जहाँफल आगुरु किसी मिलून प्रशासन तरफ जहाँ किसी मिलूला से आम अल्प किसी सन्तुष्ट थी बर्तमान ग्रासरुट सेन्टर होगा फल पाने अधिकर अधिक उन्नत स्तर को जी एवं आम जो मानने किसी परफॉर्मेंस न था कि आम पे अति कम चार पाँच जन जाऊँ नेशनल खेल वर्ष को बर्तमान आम चेष्टा करूँ अधिक रु अधिक आहरी सुजोग मिले आहरी अधिक को आम पान को नेशनल खेल स्टेटस मुझ बाबुला प्रसाद महांती पिला कोचिंग दूसरी बर्तमान जो है आम आगु ये आम पा गोटे हकी हकीर तो ये प्रसार हो पार हकीर प्रसार करने आम साई प्रसाद दौली मु लगिचु कि किसी भी एम को जो गरीब पे आने मेन है हकी स्टिक दरकार बॉल दरकार ये दुटा भी आम जहाँ साई प्रसाद दौली मु कि आम जो पुणा खेला अच्छा दिनेश कुमार साहू ये सब अच्छे मिसिकना आम पा स्टिक बॉल एम दू आ सरकार तरफ कि क्रीडा अधिकारी प्रदीप कुमार महां तरफ भी किसी मिले जी मिले तथा पिला सफिसीय हुए तो आम ये ग्रासरूट है टाटा हाईकोर्ट ग्रासरूट है फल पिला कि आगे उन्नति हे आई कि उपकृत होना पे आगे आगे बढ़े आ पिला हकीर प्रसार भी हो पार ना प्रदीप्त कुमार महांती जिला क्रीड़ा अधिकारी ढेंकानाळ विशेष शुभ दिन कारण ओडिशा सरकार एवं टाटा ट्रस्ट तरफ टाटा नवाल हॉकी एकेडमी हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक ग्रासरूट सेंटर देवगढ़ और ढेंकानाळ जिले में माननीय मंत्री तुषारकांति बेहरा जरिया वर्चुअल मोड में भुवनेश्वर शुभ उद्घाटित होती
आगामी दिन में ढेंकानाल जो हॉकी रा विशेष पिला जो मैंने सुजोग पाऊ ना जितिय राज्य स्तर जितिय स्तर चयन में भल क्रीड़ा प्रदर्शन करने एक सुजोग तेणु टाटा नवाल ग्रुप जी कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर तार गोटे ब्रांच सेंटर हिसाब से ढेंकानाल को मनोनीत कर जिलावासी जिला प्रशासन तथापि जनसाधारण तरफ आम समस्त धन्यवाद दौ आशा एक दुईदिनिया गस्तरे आसीथिबा केन्द्र इस्पात राज्यमंत्री फगन सिंह कुलस्ते शुक्रवार दिन राउरकेला इस्पात कारखाना भ्रमण रे जाइथिले। एही समय रे पूर्वरु बिश्रा छकरे उपस्थित युव कांग्रेस रा नेता प्रबोध दास को नेतृत्व रे दलीय कर्मी माने कला पताका देखाई विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। केन्द्र सरकार द्वारा नियमित भाव सुंदरगढ़ जिला एवं राउरकेला को अवहेला करा विरोध में विरोध प्रदर्शन करा पुलिस पक्षर कांग्रेस नेता और कर्मी मानू तुरंत प्रतिषेधक व्यवस्था स्वरूप गिरफ्त करा जाए परे छाड़ी दे जाए थला। पुलिस वाला ए जो हमर आज ए जो विरोध जो ना विरोध को मारी बीजेपी गुंडा लगे की बीजेपी गुंडा मारी छंती ये माडा रो प्रतिवाद थाना रे होबो ए जो गुंडा लगे की ए पुलिस वाला भाई हमर ए जो बसछंती तंग ए राउरकेला सहरर सेक्टर 16 थिबा श्रमिक भवन परिसर रे राउरकेला खबर कागज विक्रेता संघर एक बंधु मिलन ओ आलोचना चक्र अनुष्ठित होई जायछि। संघर सभापति तथा वरिष्ठ श्रमिक नेता विष्णु महांतिंक अध्यक्षतारे होइथिबा एहि कार्यक्रम रे राउरकेला सहरर विभिन्न वर्गर गणमाध्यम प्रतिनिधि मानंक समेत खबर कागज विक्रेता माने शामिल होइथिले। एही अवसर रे कोरोना जनित समस्या समय रे संवादपत्र और संवादपत्र विक्रेता मानंक पई आह्वान शीर्षक आलोचना चक्र अनुष्ठित होइथिला। एथरे मुख्य वक्ता भाबे वरिष्ठ साहित्यिक भूपेन महापात्रंक समेत अन्य माने मतव्यक्त करथिले। एही अवसर रे सहरर विभिन्न स्थान रे कार्यरत खबर कागज विक्रेता माने शामिल होइथिले। हकर मानकर वार्षिक बंधु मिलन कार्यक्रम आज श्रमिक भवन ठारे सीआईटी ऑफिस ठारे अनुष्ठित होइछि एवं हकर माने बहुत दिन धरी जो हकर काम करुचंती खबर कागजर कर्मचारी भाव में मान्यता मिले ना से सर्वनिम्न मजूरी पाती ना से ईएसआई ईपीएफ सुविधा पाती ना से कौन सामाजिक सुरक्षा ना कोरोना पैंडेमिक समय रे जेते बड़े खबर कागजर कोरोना संक्रमित हबो बोली अपप्रचार हला सेते मध्य आमर हकर भाई माने जीवन को खातिर न करी घरे घरे खबर कागज पहुँची चंती एवं कोरोना विषय रे लोकों को मध्य सचेतन करी चंती ता सत्ते सेमान को पाई जो व्यवस्था हो दरकार रिलीफ मिलिया दरकार एवं पेपर बंद समय रे मध्य जो साहाज्य मिलिया कथा मिली ना से दाबी मध्य आमे करूचु जे हकर मानकु से प्रकार व्यवस्था मध्य रिलीफ मध्य दबा दरकार थला राज्य सरकार मध्य जो असंगठित वर्कर भावरे हकर मानकु ग्रहण करचंती मासिक 7500 टका करी आमे जो दाबी करूचु तांकु मिलिबा दरकार। हकर मान के इनकम टैक्स दउनांती बहुत कम रोजगार करचंती तेणु से दृष्टिरु सरकार तांकु विचार करिबा दरकार एवं तांकर यथार्थ दाबी के पूर्ण करिबा दरकार जोटा हेई नाही एवं आज बंधु मिलन रे आमे प्रस्ताव देचु जे समाजपत्र प्रकाश संवादपत्र मालिक माने संवादपत्र जो माने क्रय करुचंती जो माने बिक्री करुचंती जो माने बांटुचंती सेमान को कर्मचारी रो मान्यता दियंतु सेमान को सम्मान दियंतु एवं अधिक खबर कागजर किपरि प्रचार हेई पारिबो प्रसार हेई पारिबो से दिगरे पदक्षेप नियंतु आमे आशा करुचु ए दिगरे समाजपत्र कर्तृपक्ष निश्चित भावरे दायित्व नेबे एवं संवादपत्र हकर मानू अधिक सुविधा देवे एवं तांकर बहुत दिन जो दुख दुर्दशा जो दलित अवस्था रही उन्नति पाई काम करिवे यही कथा आज प्रस्ताव आकार पास ताकु राज्य सरकार एवं संवादपत्र मालिक माने कार्यकारी करिया पदक्षेप नापाई आम अनुरोध। राज्य युव कांग्रेस सभापति डॉक्टर स्मृति रंजन लेंका सुंदरगढ़ जिला गस्तरे आसंता 24 तारीख दिन आसुछंती। डॉक्टर लेंका गस्त अवसर में जिलार बीरमित्रपुर स्थित मेला पड़िया रे विशाल युव समावेश हेबो बोली युव कांग्रेस राज्य साधारण संपादक ज्ञानेन्द्र दास कहिछंती। एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन राउरकेला स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय
ବୀରମିତ୍ରପୁର ହେବାକୁ ଥିବା ସମାବେଶରେ 2000 ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରତିଭା ରଘୁବଂଶୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ସେଠି ଯୁବକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗରେ ସହପ୍ରଭାରୀ ଆମର ଯିଏ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଆମେ ସେଠାରେ ଆମର 2000 ଯୁବକ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ଆମର ସେଠି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସେଠି ଆମର ଯୁବ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କରାଯିବ ବୀରମିତ୍ରପୁର ମେଳା ମଇଦାନଠାରେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠିକି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖିଥିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବରାବର ଅବହେଳା ରହିଛି, ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ରେଗୁଲାର ରହିଛି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖି ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆଜି ଏକ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଆମର ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ସେମାନେ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଆମେ ସେଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ସେଠାରେ 2000 ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସେଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଆମେ ସେଠି ସଂକଳ୍ପ ଦିଆ କରାଇବୁ ଆମର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା, ଜୁମଲାବାଜି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା'ର ଲଢ଼େଇ କେମିତି ତୀବ୍ରତର କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବ ଏବଂ 2024 ଆମେ କେମିତି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସରକାରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବୁ ସେଠାରେ। ଆର୍ଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରା ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ପଣଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଂଯୋଗର ଧାରା ବଜାୟ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା କାରଖାନାକୁ ସଫଳତାର ନୂତନ ଶିଖର ଆରୋହଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଥନ ସମ୍ମିଳନ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସେଲ୍ର ବୈଷୟିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଏନ୍ ରାୟ, ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଇଓ, ଆର୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଲ୍ ୟୁନିଟ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କାରଖାନାର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧିରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାସଲ କରିଥିବା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ବଜାର ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୁଲସ୍ତେ ଏଚ୍ଆର୍ଡି ସେଣ୍ଟରରେ ମଡେଲ ରୁମ୍ ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ 2 ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିଲ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନୂତନ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରଖାନା ଗସ୍ତ ବ୍ଲାଷ୍ଟଫର୍ନେଷ୍ଟ 5 ଦୁର୍ଗା ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସିଇଓ ତଥା ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
अपराह्ने मंत्री विभिन्न ट्रेड यूनियन और अधिकारी संघ सहित साक्षात आलोचना करथिले। से दीपिका महिला जागृति संस्था मध्य परिदर्शन करथिले जेउथिरे तांको आरएसपी रो विभिन्न सीएसआर प्रयास विषय अवगत करा जायथिला। सुंदरगढ़ जिला बणाई थाना अंतर्गत जीविका अंचल रे ट्रक ओलटी 5 जन आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। शुक्रवार अपराह्न रे एक धानबुझी ट्रक जीविका अंचल देई रास्तारे जाउथिबा समय रे भारसाम्य हराई ओलटी पड़िथिला। या फळरे 5 जन आहत होइथिले। स्थानीय लोकमाने आहत मानंकु चिकित्सा पई हॉस्पिटल पठाइथिले। एही पर्वरे घरको आणन्तु बेसी आनन्द, पुओ झियो वयस्क मानकर प्रथम पसन्द टीवीएस जुपिटर, जिए रास्तारे जाए सरसा, दूर यात्रा हो कि पाख हो, जुपिटर थिले चिंता नाही आउ। टीवीएस जुपिटर BS6 रेंज, आजि ही किणन्तु बेसी लाभ पान्तु। खूब कम डाउन पेमेंट, मात्र 10,999 टंका। 10,999 टंका देई आज ही घर को नै जानतु टीवीएस जुपिटर। अन्य जान तुलना रे टीवीएस जुपिटर सर्वोत्तम, कारण एथिरे अछि फ्यूल एफिशिएंसी। अन्य जान तुलना रे दिए 15% माइलेज अधिक, मोबाइल चार्जिंग प्रोविजन, सेंटर स्टैंड, लो फ्यूल इंडिकेटर, डुअल साइड हैंडल लॉक, पास स्विच, इकोनोमीटर, रियर सस्पेंशन, फ्यूल कैपेसिटी 6 लीटर, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट एवं एलॉय व्हील्स, टीवीएस जुपिटर। रास्ता हो जाते दूर साथी रे अछि टीवीएस जुपिटर। ताहले डेरी काहे की, आज ही आसंतु यूनिक टीवीएस। सोना दिलों को करीब लाता है। सोना ही पीढ़ियों को जोड़ता है। सोना ही नए रिश्तों को समेटता है। सोना ही रिश्तों के धागे को मजबूत करता है। सोना रिश्तों को जोड़ता है। सोना ही लम्हों को रोशन करता है। ज्वेलर्स ऑफ जनरेशन, जय हिंद एंड सन्स ज्वेलर्स, मेन रोड, राउरकेला। सिटी इंग्लिश स्कूल affiliated to ICSE New Delhi. Now, admission open for playgroup, nursery, LKG, UKG and standard 1 onwards. City English School have qualified, experienced and caring teachers. Fully equipped audio-visual labs, well-equipped computer labs, regular co-curricular and extracurricular activities, outdoor visits and social activities, spacious and airy classrooms. Contact for admission and details, City English School near Raurkela Railway Station, Raurkela. Contact number 933-7400-865 and City English School, Gandhinagar Sector E, Banda Munda. City English School, AM 12 and 13, Basanti Colony, Raurkela.
कॉन्टैक्ट नंबर 9337400865 एंड 9861256400। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन और मैं टीवीएस जुपिटर परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो आपने नया टीवीएस जुपिटर खरीदा है ना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, हम जानते हैं कि आपके लिए स्कूटर स्कूटर से ज्यादा होता है, इसीलिए हमने बनाया है नया जुपिटर जो हर स्कूटर से ज्यादा है, ताकि आपके हर सफर में, हर रास्ते पे, हर मोड़ पे ये आपका साथ दे। आपके और आपके विनती परे पूरी तरह आपण मन को स्वागत करू छी राउरकेला खबर को। एबे आसंत देखिबा अन्यना खबर। राउरकेला बिश्रा रास्ता रे थिबा कुकुड़ा गेट रेल फाटक निकट रे एक कार दुर्घटनाग्रस्त होईछि। पश्चिमबंगरु आसुथुबा एही कारटी दुर्घटना जोगु भांगी रुजि जाइछि। एहा फळरे तीनि जण व्यक्ति आहत होईछन्ति। संतोषपुर निकटरे होईथिबा एही दुर्घटना संपर्करे पुलिस तदंत जारी रखिछि। ढेंकनाळ सहरर कुंजकांत ठारे थिबा मधुबन मार्केट कॉम्प्लेक्स रे थिबा सोमोटो पक्षरु हीरो मोटर कप्स रो 100 मिलियन गाड़ी विक्रय उत्सव पालित हो जाइछि। एहि उत्सव रे विशिष्ट व्यवसायी रामकृष्ण शतपथी समेत अन्य अतिथि माने उपस्थित थिले। एहि उत्सव रे हीरो मोटर कप्स रो टेरिटोरी सेल्स मैनेजर चंद्रकांत पंडा एवं सो मोटर रो परिचालक श्रीचंदन नंद और अन्य माने उपस्थित थिले। 32तम जातीय सड़क सुरक्षा मास पालन उपलक्षे राउरकेला आंचलिक परिवहन अधिकारी कार्यालय सहयोग रे राउरकेला ट्रक मालिक संघ पक्षरु प्राथमिक चिकित्सा संपर्कित प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। संघर सभापति और साधारण संपादक जगदीश जयसवाल आदि कर्मकर्ता उपस्थिति और आंचलिक परिवहन अधिकारी विश्वराज बेहरा मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित होता। एहरु अधिक ट्रक ड्राइवर को विभिन्न समस्या जथा दुर्घटना और अन्यान्य असुविधा समय प्राथमिक चिकित्सा संपर्क में परामर्श दीजाइला। यहाद्वारा ट्रक ड्राइवर मान लाभवान है आशा व्यक्त कर। आम राउरकेला ट्रक ओनर्स आसोसीएसन कोषाध्यक्ष श्री रवीन्द्रनाथ पाल। एबे आम देश में सेफ्टी वीक पालन हो सेफ्टी उपरे आम राउरकेला ट्रक ओनर्स सर्वनिम्न ड्राइवर्स मैंने हेल्पर मैंने योगदान करुचु तार अवेयरनेस पाई केमती आम एक्सीडेंट को अवॉइड करि पारिबु आउ सेही अवॉइड करिबा को तार जे तरीका अछि सेहिटा को आम केमता उपलब्ध करूँ ताप डिस्कसन आयोजन कराऊम। ये मुख्य आयोजन कर्ता होती आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर तार एडवाइजरे आम ये आयोजन करूँ। आयोजन आम स्वतस्फूर्त भाव मेम्बर हेल्पर एवं ड्राइवर योगदान कर राउरकेला विश्वराज बेहरा। यहाँ आमर एथरक 32तम जातीय सड़क सुरक्षा मास यहाँ चलती। आज आम गोटे ट्रक राउरकेला ट्रक ओनर आसोसीएसन द्वारा गोटे सेफ्टी मेजरमेंट रमी आक्सीडेट भिक्टिम मानक केमती हेल्प करहब कैजुअल्टी हेले आम हस्पिटाल को सिफ्ट करूँ सेफ्टी नहीं कि से उपर आम सिविल डिफेन्स आईज मेम्बर से विभिन्न कैजुअल्टी हेले गोड़ भांगे कि हाथ भांगे कि हेड इंजुरी हेले किभली सिफ्ट कर गोल्डेन आवर अच्छी गोटे घंटा भितर किभली आम रेस्क्यू कर हस्पिटाल को सुरक्षित नहीं पहुँचे पार्बू से गोटे फास्ट एड ट्रेनिंग चलती। आज तो आम भाव हरहारी 80 रु 100 जन पाखापाखि कि ऊर्ध भी ड्राइवर अच्छा लगुच। राउरकेला ट्रक ओनर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जगदीश जायसवाल। आज सेफ्टी वीक के जो हमारे सभी वर्ष जैसे चलते हैं वैसे 32वां ऑल इंडिया सेफ्टी वीक चल रहा है, जिसमें हमारे राउरकेला रीजनल ऑफिस से आरटीओ सर आए, एमबीआई सर आए और एनडीआरएफ की तरफ से एक टीम आई है जो सेफ्टी व्यू के बारे में कैसे हम लोग किसी भी इंजरी आदमी को कैसे करके उनको सेफ्टी दिया जाए, उनका जान को बचाया जाए, लाइफ बचाने के लिए आज बहुत आरटीओ सर के द्वारा में हमारे ट्रक एसोसिएशन के प्रांगण में एक अच्छा प्रोग्राम किया गया, जिसके माध्यम से जितने भी ड्राइवर मालिक
संघ के जितने भी एसोसिएशन के जितने भी हमारे मेंबर हैं उनको बैठा के समझाया गया कि सेफ्टी के द्वारा हम कैसे किसी का लाइफ। कोरोना जनित समस्या समय रे राउरकेला शहर ओ आखपाख अंचल रे गोमाता मानंकु खाद्य जोगाई देबा निमन्ते गृहस्थी परिवार पक्षरु गोमाता मानंकु रोटी बंटन करा जाय आसुछि। एहि सब रोटी तयारी हातरे करा जाउथिला, एहा द्वारा अधिकरु अधिक रोटी तयारी करिबा पई अधिक समय मध्य लागुथिला। तेणु गृहस्थी परिवार पक्षरु एक रोटी तयारी मेसिन स्थापना करा जायछि। एहि मेसिन माध्यमरे अल्प समय मध्यरे अधिक रोटी तयारी करा जिबा सहित गोमाता मानंकु रोटी बंटन मध्य अधिक करा जाय परिबो बोली गृहस्थी परिवारर वरिष्ठ कर्मकर्ता मंजू बागाड़िया, गोपाल बागाड़िया प्रमुखक समेत गृहस्थी परिवारर मुख्य गणेश बागाड़िया कहिछंती। प्रधानमंत्रीक आह्वान क्रमे एहि गो सेवा कार्यक्रम अधिकरु अधिक प्रसारित हेउछि बोली गणेश बागाड़िया कहिछंती। मेरा नाम गोपाल बागाड़िया है और मैं गणेश बगड़िया का बड़ा भाई। पहले रोटियां हाथ से बनाई जाती थी, स्टाफ लगता था, समय बहुत लगता था, रोटियां कच्ची पक्की रह जाती, लेकिन इस मशीन के लगाने से अब काम फास्ट होगा। मोदी जी का जो आह्वान है कि लोकल पब्लिक सेवा, गऊओं का सेवा, पशुओं की सेवा, तो इसके लिए हम लोग बिना भेदभाव के इस मशीन को लगाया है जिससे गऊओं को भी रोटी बढ़िया सिकी हुई मिले। इसके लिए इस मशीन को लगाया गया, काम फास्ट हो और रोटियां 100% अच्छी तरह सिके जिससे कि गाय भी हमारी माता के समान वो खा सके। रोटी अभी जैसा मेरे को भाई ने बताया है प्रतिदिन करीब 5,000 रोटियां बांटी जा रही है और इनका कहना है कि मैं और बढ़ाऊंगा मेरी क्षमता के अनुसार, तो मुझे लगता है कि वो शायद बहुत जल्दी कुछ क्वान्टिटी बढ़ाना चाहेंगे। गणेश प्रसाद बगड़िया, CMD गृहस्थी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड धौरपुर। आज जो कार्यक्रम रोटी का ये जो मशीन आई है तो उसके उपलक्ष्य में रखा गया था, पर वैसे मैं गौ सेवा से 1990 से जुड़ा हूँ। श्री वेदव्यास गौशाला के माध्यम से 30 साल वहाँ अध्यक्ष रहते हुए सेवा किया। पिछले 2 सालों से हम वहाँ से पदमुक्त हो गए और जब कोरोना का समय आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं कैसे सेवा करूं। गऊ सेवा मेरे हृदय में थी, मन में था, तो अचानक कोरोना के समय अपने प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि भाई लोगों को तो मिल जाता है पर जो सड़कों पे हमारे जीव जंतु जानवर है, गाय है, कुत्ता है, उन लोगों को दिया जाए, तो फिर मुझे लगा कि मेरा मिल गया। और 1 मई 2020 से यह 5,000 रोटी अपने फैक्ट्री में करवाते थे और प्रतिदिन कोरोना के समय स्वयं 4-5-6 घंटा कभी शहर के इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी विभिन्न कोनों में खिलाता रहा। एक्चुअल में वास्तव में लोग सोचते थे कि मैं गौ चार दीवारी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा मानना था कि चार दीवारी से मैं जुड़ा हुआ नहीं था, मैं तो गौ सेवा से जुड़ा हुआ था। और आज इस बात को अब शहर में किसी की भी गौ माता हो तो खिला रहे हैं। और आज तो ऐसी स्थिति है कि जो गोपालक बंधु लोग हैं जिनका 8-9-10 गाय है उनको भी हम प्रतिदिन 1-1 बोरा चना चोकर चुनी देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो गौ सेवा से जुड़ा हूँ, मतलब मान लीजिए, और ये प्रतिदिन चूँकि अब इतने सालों से कर रहे हैं उसका फल फल मिलते रहता है। व्यापार में, परिवार में इतनी कठिनाई आई है और वो जब जैसे आज सभी जानते हैं क्योंकि राउरकेला में गृहस्थी एक ऐसा ब्रांड है कि यहाँ का सुख, यहाँ का दुख छोटा शहर होने के कारण लोगों को जानकारी खो जाती है, तो बड़ा संकट आया तो उसका भी निवारण हो गया। तो मुझे लगा ये गौ माता की कृपा है। तो फिर जब कभी भी बड़ी बड़ी समस्याएं और बड़े बड़े देखा तो फिर मुझे लगा कि भाई ये मेरी माँ की कृपा है और बाकी गुरु माँ मेरे माँ पिता ठीक है, पर गौ माता के प्रति बारंबार ऐसा लगा कि बड़े बड़े संकटों से निकाल ली। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करता, बस माँ की श्रद्धा सेवा हर आदमी को होता था, मुझे उससे प्राण की अनुभूति है। सच मुझे तो मेरा जीवन ही तर गया। अभी तो 5,000 रोटी जो पहले 8-10 घंटा मिलता था
अभी मात्र 5 घंटे में हो जाता है। मेरा नाम मंजू बगड़िया है। मशीन तो अभी मकर संक्रांति के बाद ही आया है, जो मलमास चल रहा था, और ये जो लॉकडाउन कोरोना के जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से सब जो बंद हो गया था, और जो मोदी जी ने कहा था कि बड़ों के लिए तो चलिए खाना पहुंचाया गया या लाया गया, लेकिन हमारे जो जीव जंतु हैं, गाय है, इनको दिया नहीं जा रहा था, तो वो बोले तो उसके बाद तो मैं भी घर के बगल में भी खिचड़ी बनाकर भेजती रही काफ़ी दिनों तक, और जब सरकारी गाड़ी आ गई उसके बाद मैं बंद कर दी। लेकिन गाय माता का हम लोग रोटी उस समय से बना रहे थे, करीब करीब पहले तो 500, फिर 1000, 2000 किए, फिर 5000 हो गया। अब वो अभी रेगुलर चल ही रहा, डेली 10 आदमी लगे रहते हैं, सुबह से आते हैं शाम तक बनाते हैं। ये करीब करीब मई के महीने से शुरू हुआ है, और अब हम लोग ये मशीन मंगा लिए हैं। भाई कारीगर लेबर हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उसमें 10 आदमी की तो ज़रूरत हो ही गई, लेकिन अब मशीन मंगा लिया तो हम सुविधा हो गई, इसमें 2-3 आदमी में काम हो जाता है। कितना कैपेसिटी है इसमें रोटी है? ये 1 घंटा में 1000 रोटी निकाल देती है, तो 5 घंटे में 5000 रोटी कम से कम निकाल देगी। नुआदिल्ली उपकंठरे गत 2 मासरु अधिक धरि कृषक मानंकर आंदोलन चलिछि। ए आंदोलन रे शामिल हेबा पई नवनिर्माण कृषक संगठनर ओडिसा शाखार वरिष्ठ कर्मकर्ता और सदस्य मने गत 15 तारिखरु यात्रा आरंभ करथिले। एहि यात्रा समय रे विभिन्न स्थान रे सेमानंकु स्वागत करा जायथिले सुधा उत्तर प्रदेश रा कानपुर समेत अन्य किछि स्थान रे योगी आदित्यनाथक सरकार पक्षरु सेमानंकु अपमान दिया जिबा सह अनेक प्रकार असुविधा कर अभियोग। नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा शाखार सदस्य मैंने ढेंकानाल विरोध प्रदर्शन करने योगी आदित्यनाथ कुश पुतलिका दाह करते। प्रहलाद साहू, नवनिर्माण कृषक संगठन ढेंकानाल जिला सहसंयोजक। केन्द्र सरकार जो कृषक मारण बिल 3टा पास कर प्रतिवाद दिल्ली में बर्तमान आंदोलन चली, पंजाब हरियाणा सब स्टेट लोक मैंने से 2 मास धरी आंदोलन करिया सत्य सरकार किसी शुणुना तेणु सहयोग करने आम ओडिशारु कृषक भाई माने दिल्ली जाइए 15 तारिख दिन गले कि 17 तारिख दिन आदित्य मोदी ये योगी आदित्य मोदी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से आम लोक मानक हैरान कले खाया पिया दे विभिन्न प्रकार अश्लील व्यवहार देखेले तेणुकर तारी प्रतिवाद आज तार कुशपुतिका दाह ये आम कर सारा ओडिशा बर्तमान योगी आदित्य मोदी पुष्पुतिका दाह करम कृषक मानक जो हैरान करो शालीन व्यवहार देखी से प्रतिवाद आज ओडिशा सारा तार कुशपुतिका दाह कर। मो नाम हूँ सुधाकर पैडा, ढेंका ओडापड़ा ब्लक संयोजक। आमर जो आज 1000 चाषी बस जोगे दिल्ली यात्रा कर उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ अटकई हैरान करवहार कर तेणु से तार प्रतिवाद आज आम ढेंकानाल जिला तरफ योगी आदित्यनाथ कुशपुतलिका दाह करा। चलित मास 18 तारिख आरंभ होइछि जातीय सड़क सुरक्षा मास। एहि अवसर रे विभिन्न संस्था और संगठन पक्षरु सड़क सुरक्षा संपर्कित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होउछि। एहि क्रम रे राउरकेला ट्रक ओनर्स संघ पक्षरु गाड़ी चालक मानक एक आखि परीक्षा कार्यक्रम आयोजित हो जाइछि। संघर वरिष्ठ कर्मकर्ता विश्वरंजन देहुरिया नेतृत्व में होता एक कार्यक्रम 40 अधिक ट्रक चालक सामिल हो आखि परीक्षा करते। माइनिंग एरिया टिपर्स ओनर्स संघ पक्षर मध्य विभिन्न सचेतनता कार्यक्रम आयोजित हो जाइछि। विश्वरंजन बेहरा जनरल सेक्रेटरी भिटीओ राउरकेला। एक्चुअली जो रोड सप्ताह सुरक्षा सप्ताह पाई आमर आई कैंप लगाई था ड्राइवर मानक स्पेशल चेकिंग करने पाखापाखि बर्तमान पर्यटन 40 गाड़ी ड्राइवर अटकई 40 जन पाखापाखि चेकअप कर सारे आहरी 100 करने टार्गेट आभिमुख्य ड्राइवर मानक से जीवन सारा दिन भर भितर से केवल गाड़ी में रहा आ गाड़ी चलने व्यस्त रहते हैं यह सब जिनस ध्यान न था तेणु गोटे अवेयरनेस क्रिएट करने गोटे ये रखीचु सेमती कौन कई तो मुख्य अतिथि भाव ना कि आरटीओ एमभीए सहयोग में यह जिनसा कराइला तेना आरटीओ भी आसते आरटीओ मध्य आसते गवर्नमेंट डॉक्टर 2 जन आभी बस भितर चेकिंग। खबर सारे पूर्व पुणि थे नजर पक आज मुख्य खबर गुड़िक। टाटा ट्रस्ट पक्ष ढेंकानाल जिले में हॉकी तालीम केन्द्र शुभारंभ।
केन्द्र इस्पात राज्य मंत्री राउरकेला गस्त अवसर में युव कांग्रेस विरोध कर कला पताका प्रदर्शन। राउरकेला खबर कागज विक्रेता संघर बंधु मिलन एवं आलोचना चक्र। राज्य युव कांग्रेस सभापति सुंदरगढ़ जिला गस्त उपलक्षे सांबादिक सम्मेलनी। केन्द्र इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते दुईदिनिया राउरकेला गस्त। बणाई थाना अंतर्गत जीविका अंचल ट्रक ओलटी पांच आहत। राउरकेला बिश्रा रास्त कार दुर्घटन तीन आहत। ढेंकानाल सोमट पक्ष सर्वाधिक हीरो गाड़ी विक्रय उत्सव पालित। राउरकेला ट्रक मालिक संघ पक्ष प्राथमिक चिकित्सा संपर्कित प्रशिक्षण शिविर। गृहस्थी परिवार पक्षर गो सेवा उद्देश्य रोटी बंटन पाई रोटी तैयारी मशीन स्थापना। नवनिर्माण कृषक संगठन ढेंकानाल शाखा पक्षर विरोध प्रदर्शन। 32वां जातीय सड़क सुरक्षा मास पालन उपलक्षे विभिन्न कार्यक्रम। खबर सारिबा पूर्वरु पूर्णित रे नजर पकाइबा आजर मुख्य खबर गुडीक उपरे।